इदंतावदयम प्रष्टव्य हो। अतः दूसरी तरह समाधान भी कर सकते हैं, दिव्य प्रयोजन मानने की अपेक्षा से एक पंथ दो काज, एक क्रिया से दो फल, ये तो सब अंतिम जवाब दिया ना, दोनों हो सकता है। जो वो जो कहा था कौन से गर्गादि विदादि पाठ का फल दोनों हो सकता है, ऐसे करके समाधान अंत में दिया। जैसे श्वेतो धावती अलम्बुषा नाम धाव व्याता इत्यादि में द्व्यर्थक प्रयोग हो जाता है, वैसे यहाँ द्विप्रयोजनक प्रयोग मान लो, ये कहा था। अथवा वास्तविकता क्या है, संवृत्तादि दोष है ही नहीं, ये गलत कल्पना है। कहते क्यों नहीं है, क्यों पूछ रहे हैं, देखो कहाँ है बताओ मेरे को, पूछेंगे उसे। इदम तवद अयम प्रष्टव्य, यह उससे पूछना है कि क्वे में संवृत्तादि श्रुयरन, ये संवृत्तादि 16 दोष तुमने जो गिनाया ये कहाँ सुनाई देता है, वेदों में है क्या, वैदिक शब्दों में कहीं, आगमेशु आगमा शुद्धावन इति श्रेरन इति पूछो उसे आगमेशु, कहते वो खुद ही कहेगा नहीं 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 आगमा शुद्धा पट्यंत, अरे वेद में कहाँ से दोष आएगा, आगमा शुद्धा पट्यंत विकार शुद्धर रही, क्या विकारों में है क्या, नहीं नहीं विकारा शुद्धा पट्यंत, प्रत्यय शुद्धर रही प्रत्यय शुद्धा पट्यंत, धातु शुतरी धातु भी शुद्धा पट्यंते, प्रातिपदिक उतर रही प्रातिपदिकानी भी शुद्धा नहीं पट्यंते, यानी तर रही अग्रहणानी प्रातिपदिकानी ये तेषाम अपि स्वर वर्णानुपूर्व ज्ञानार्थे उपदेश कर्तव्य। तब कहते फिर कहाँ है दोष, जो यानी तरी अग्रहणानी प्रातिपदिकानी, अग्रहणानी प्रातिपदिकानी मतलब क्या, अव्युत्पन्नानी डिथ अवित्पन्न प्रातिपदिक है, जो प्रकृति प्रतिविभाग के बिना शब्द हैं ऐसे जितने उनमें ही दोष मानना पड़ेगा आपको। ये तेषाम अपि लेकिन उनमें भी कह रहे हैं स्वर वर्णानुपूर्व ज्ञानार्थ उपदेश कर्तव्य, उनमें भी स्वर वर्ण के अनुपूर्व ज्ञान के लिए उनको उसके लिए कम से कम उपदेश कर्तव्य, उसके लिए वर्णों को उपदेश करना जरूरी हो गया उनके लिए। शशा शश इति मा भूत, जैसे शशा है उसको शश पाठ कर दे, तालवी को मूर्धनि कर दे, अंतरी ना करें दोनों में, इसके लिए वर्णों उपदेश जरूरी हो गया। आई ओन लिट्रिक आदि पलाश पलाश इति मा भूत, मंच को मंचक चकोच कर दिया इति मा भूत, क्योंकि आगमाश्च विकाराश्च प्रत्यासह धातु भी उच्चार्यन्ते ततस्तेषु नेमे प्राप्ता कलादयः, इमे कलादयः न प्राप्ता, क्यों वे सब शुद्ध उच्चारणीय है, आगमा विकारा धातु भी सह प्रत्ययः ततः उच्चार्यन्ते तेषु न इमे तथा मैंने शुद्धत एव उच्चार्यन्ते अत्व तेषु इमे कलादयः न प्राप्ता, ये जो कला आदि दोष हैं वे उनमें आते ही नहीं है, या कार्य का बना दिया। इस प्रकार से भगवत पतंजलि विरचित व्याकरण महाभाष्य के प्रथम अध्याय प्रथम पादांतरवर्ती प्रथम आनिक पूरा होता है। यहाँ की प्रदीप देखिए, अथवा यदि केवलानाम वर्णानाम लोके प्रयोगाभावात, कि केवल वर्णों का प्रयोग होता ही नहीं लोक में, होता नहीं न वेद में होता है, जो भी सब पद है और जब पहले तो शुद्ध है साधु है, असाधु है नहीं। कहते लोके प्रयोग अभावत धात्वादिरंच शुद्धानां पाठात, और धात्वादि जो पाठ है वो भी शुद्ध ही पाठ हुआ है। तस्तत्वाच्च वर्णानां न कश्चित् दोषः, और तदंतर्वर्ती जितने वर्ण हैं उनमें भी कोई दोष नहीं हो सकता। यानी तरित डिथादीनि, इसलिए फिर कहाँ हो सकता है, हो सकता है अव्युत्पन्न पदों में ही हो सकता है, जो किसी धातु से नहीं बने, कोई प्रत्यय नहीं लगा है, ऐसे जो अव्युत्पन्न शब्द है उनमें हो सकता है डिथादिनी। ये तेषाम अपि शिष्ट प्रयुक्तत्व, लेकिन उनको भी शिष्ट प्रयुक्त मानते हैं, इसे उनमें भी आप वास्तव में दोष नहीं दे सकते। शिष्ट प्रयुक्तत्व एक बात, दूसरा उणादि नाम प्रशोधरादित्वाच, कई कुछ तो उणादियों से बन जाएंगे, कुछ तो प्रशोधरादि गण मिले करके कर देंगे हम,
इस प्रकार सभी में साधुत्व अभ्यनुज्ञानात् सर्वेषां अत्र संग्रह सिद्धः, उनमें भी साधुत्व होने के नाते सभी का संग्रह हो गया, कोई भी ऐसा है नहीं जो दोषयुक्त हो अशुद्ध हो। ऐसे कहीं अशुद्धि नहीं है, उसके लिए तुमने इतना जो शास्त्रार्थ किया, क्या था उसने, इष्ट बुद्ध्यर्थ उपपत्तेश्च, यहीं से चली थी। तीसरा जो फल बता रहे थे, हम दो ही फल दिए थे वर्णोपदेश, एक तो बता दिया, दूसरा अनुबंध करणार्थम ये जो कहा था, अब वो कह देने एक और लिया था इष्ट बुद्ध्यर्थश्च, उसका खंडन हो गया, वो प्रयोजन कोई जरूरत नहीं है। प्रदीप कार्य कहते हैं और भी नीचे आपका उद्योत, यानी तरह ग्रहणानी थी मैंने कार्य विधौ अकृत अनुवादानी इत्यर्थ, कार्य का जहां जहां विधान के विधि सूत्रों के द्वारा किसी प्रकार कार्य का विधान के प्रसंग में इनको अनुवाद नहीं किया, मैंने इन्हें ग्रहण ही किया, मैंने विधि के द्वारा नहीं किया गया, विधि के द्वारा कोई कार्य करके सिद्ध नहीं है ऐसा जो प्रातिपदिक, उनमें दोष की संभावना व्यक्त किया, कहते उनमें भी दोष नहीं दे सकते हैं, वो विशिष्ट प्रयुक्त हैं अथवा उणादि सिद्ध हैं अथवा प्रसदरादिंतर गणांतर्गत लेकर के उनको भी हम शुद्ध ही मानते हैं, इसे उनमें भी दोष तुम नहीं दे सकते। पशपशानिकाम, इसमें जो टुकड़े टुकड़े वार्तिक हुए हैं, कुछ लोग इसे 21 मानते हैं अब तक हुआ वार्तिक, कुछ लोग 27 मानते हैं, विभाजन के ऊपर निर्भर है, कुछ लोग 29 मानते हैं, न्यूनतम संख्या 21 माना, कुछ लोग भाषाकार ने आवृत्ति भी किया ना दो बार, उनको भी सब बड़ा बढ़ा दिया लोगों ने, उसको अलग अलग मान लो, अपनी अपनी तर्क है, तो जो कुछ भी हो अधिक से अधिक 29 और न्यूनतम 21 वार्तिक अभी तक आपने पढ़ा है पशपशानिक में। पशपशकार पूर्व में बता चुका हूँ, प्रस्तावना या उपोद्घात होता है, क्योंकि ये बना ही है स्पर्श धातु से, है ना, स्पर्श धातु की शर्त में होता है ग्रथने, ग्रथन करना जोड़ना, आदि में जोड़ा गया है अतिशयेन ग्रथनमिति पशपश यंग लुगंत है, अतिशय येन ग्रथन किया हुआ, अतिशयन ग्रथन क्या है, पूरे ग्रंथ के योग्य भूमिका, ग्रंथ प्रवेश योग्य भूमिका ही अतिशय ग्रथन्य ग्रंथ का, बाकी ग्रंथ को अध्याय से विभाग करके कर ही रहे, अलग अलग विषय को लेकर अलग अध्याय बना रहे, उन सभी के लिए आधारभूत जो अतिशय ग्रंथन है ग्रंथ में, उसका नाम पशपश, उपोद्घात, प्रस्तावना, भूमिका, ये सब पर्यायवाची है। एक श्लोक भी दिया है अन्नम भट्ट ने, शास्त्र से आरंभ को ग्रंथ उपोद्घात रीतः स एव ग्रंथ संदर्भ पशपश कथितो बुधैहि, बुध लोग विद्वान लोग उसको पशपश संज्ञा से भी कहते हैं, किसको, जो शास्त्र के आरंभ में उपोद्घात ग्रंथ हिस्सा है उसी ग्रंथ संदर्भ को विद्वान लोग पशपश नाम से भी कहते हैं। अतिशयन ग्रथनमित पशपश प्रस्तावक, प्रस्तावना कथनमेव अतिशयन कथनम, क्योंकि यंग लुगंत क्यों किया, यंग लुगंत होता है दो अर्थ में, यंग होता है किस अर्थ में, अतिशय या पौन पुण्य, आभीक्ष्णी बोलते हैं अतिशय को, आभीक्ष्णी को, अतः पौन पुण्य बार बार, या बार बार तो कुछ है नहीं, इसे अतिशय अर्थ देना पड़ेगा, अतिशय क्या है, यही है कि प्राप्त कथनता ही इसकी अतिशयता है। अष्टाध्यायी से बल्कि माहेश्वर सूत्र से भी पहले जो कहा गया है, प्राक कथन जो किया गया ग्रंथ संदर्भ है, इसलिए उसका नाम जो है प्रस्तावना पढ़ा, उपोद्घात पढ़ा, पशपश पढ़ा, ऐसे वाणी ने व्याख्या किया है। अथ द्वितीय प्रत्याहारान्निकम, अब इसे द्वितीय आनिकारण होता है, इसका नाम है प्रत्याहारान्निकम, ये योग रूढ़ संज्ञा है, ये संज्ञा है प्रत्याहार, अणाच्य इत्यादियों का नाम है प्रत्याहार, कि सूत्र से द्वारा कथित नहीं है, प्राचीन आचार्यों के प्रचलित का केवल अनुसरण कर लिया इन्होंने, नहीं तो कोई सूत्र नहीं है ना, इसे वृद्धि राज्य वृद्धि संज्ञा करता है, देंग गुण गुण संज्ञा करता है, तरह तो घ घ संज्ञा करता है, शेषो घी घ्या से घी संज्ञा करता है, ऐसे कोई सूत्र नहीं बना दिया इन्होंने, हैं आदरंते न संहिता प्रत्याहार कह देते तब तो उसे प्रत्याहार संज्ञा मान लेते, लेकिन कहीं प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है,
क्या प्राचीन परंपरा से मानी गई प्रत्याहार संज्ञा रूढ़ है, इस तरह से प्राचीन रूढ़ से रूढ़ आता है, लेकिन साथ साथ योग अर्थ भी है। प्रत्याहयन्ते संक्षिप्यन्ते अस्मिन् इति प्रत्याहारः, प्रति आंग सत्वर घृत धातु से घय हो करके प्रत्याहार बना। प्रत्याहयन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अस्मिन् या यस्मिन् इति प्रत्याहारः, तो इसलिए योग रूढ़ संज्ञा इसको कहा जाता है। ऐसा योग रूढ़ संज्ञा वाले प्रत्याहारों का वर्णन जिसमें विशेष तौर पर किया जाना है, ऐसे द्वितीय आनिक आरंभ होता है प्रत्यारानिकाम। उसके आरंभ में सबसे पहले आता है शिव सूत्र। ये सानिक में है ही शिव सूत्र, और कोई विचार नहीं है यहाँ, केवल 14 सूत्रों पर ही विचार है द्वितीय आनिक में, उसे भी सभी सूत्रों पर विचार नहीं बताएंगे, कुछ में बताएंगे कुछ में नहीं बताएंगे। आईवन कुछ परिभाषी, बाकी कुछ राजा बक्षितम मान लो या नहीं किया है मान लो, मर्जी है आपकी। नहीं अजाबक्षितम में तक जिस सूत्र में भाषा नहीं है उसको बकरा बकरी खा लिए, या उन्होंने उस पर लिखे ही नहीं, आवश्यकता नहीं समझे, कुछ विशेष कथन नहीं था इसलिए नहीं लिखे, ये भी हो सकता है। आयोन सूत्र आरंभ करते हैं वार्तिक का, आकार से विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थ, विवृतोपदेश प्रतिज्ञा वार्तिक है। ये जो अ में अकार है, आयोन सूत्र में जो अकार है वह अकार विवृतोपदेश, विवृत प्रयत्न पर आभ्यंतर प्रतिवर्ण विवृत रूपी आभ्यंतर प्रयत्न उपदेश है। क्यों करना पड़ा विवृत रूपी आभ्यंतर प्रयत्न का, कहते आकार ग्रहणार्थ, ताकि इससे आकार आदि दीर्घों का भी ग्रहण हो सके। इसका मतलब यहां ये बात जो कह रहे हैं वार्तिककार व्यक्ति पक्ष को लेकर के, कि पहले क्या कहे थे जाति पक्ष, आकृति ग्रहण ग्राही कहा दिए थे, आकृति में क्या अ का अत्तु से पूरा 18 ग्रहण हो ही गया अत्तु जाति से, उसका ये प्रयोजन तो गलत है बता रहे। तब आपको नहीं, हाँ जाति पक्ष में इसका कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु व्यक्ति पक्ष में इसका मुख्य प्रयोजन है, ये दिखा रहे हैं स्वर्ण ग्रहण करने के लिए। अकार से विवृतोपदेश कर्तव्य, अकार का जो है विवृतोपदेश कहना चाहिए, विवृत करना स्वराहा, क्योंकि शिक्षाकार भी कहते हैं विवृत करना स्वरा, यानी अ उ अ ई उ री ऋ यहाँ तक स्वर है, ये कैसे हैं विवृत करना। एवंग क्या है पाणिनि शिक्षा में भी कार्य का ना है, पाणिनि शिक्षा में इस तरह का वाक्य नहीं, नहीं श्लोक कुछ और है शब्दावली, वहाँ शुरू में ही कहा है स्वर जो है ना विवृत होते हैं, और एंग विवृत तर होता है, और ऐच विवृतम होता है, उससे ज्यादा विवृत 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 विवृतर विवृतम। हाँ अंत में श्लोक कैसा उतना हमें भी याद, पहले का याद नहीं आ रहा है ना, किम प्रयोजन इसका है जी, आकार का विवृतोपदेश करने का क्या प्रयोजन है, वर्तिक पर भाष्य लिख रहे ना आकार से विवृतोपदेश कर्तव्य हो कह दिया, किम प्रयोजन कहते आकार ग्रहणार्थ, अकार स्वर्ण ग्रहण न आकारम अपी यथा ग्रहणीयात, यह जो आकार है अपने स्वर्ण को ग्रहण करने के माध्यम से आकार को भी ग्रहण कर सके, इसलिए ही यहाँ विवृतोपदेश करना आवश्यक हो गया। ये दूसरी शिक्षा ग्रंथ में अलग ढंग से ओ मैं बोल रहा हूँ विवृत करणा स्वराहा तेभ्य ए ओ विवृत तरो ताभ्याम आई औ ताभ्याम अपी आकार, ऐसे कह दिया उनसे भी ज्यादा विवृत तम से भी ज्यादा विवृतम है कौन आकार, कुछ उन्होंने ऐसे कह दिया उस शिक्षा का वृद्ध पढ़े ने शिक्षा का नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी शिक्षा में क्या कहा ये पांच तो विवृत है, ये वो विवृतता है अयो विवृतता में हाँ, और आ अति विवृतम है उससे भी ज्यादा विवृत है अति विवृतम कहा उन्होंने, उसके लिए पाणिनि ने कहा कि नहीं नहीं उनको विवृतम कहने की जरूरत नहीं है, वो अवश्य घृत विवृत हो जाएंगे। अनुदित स्वर्ण चाप प्रत्यय सूत्र के द्वारा ग्रहण अक्षर जब उनको ग्रहण कर लेंगे वो आ भी विवृति हो जाएगा, उनको विवृतम कहने की कोई जरूरत नहीं, अति विवृतम कहने की जरूरत नहीं है। ये शिक्षा गवृद्ध में वो पाणिनीय शिक्षा है,
यहाँ भी कहेंगे ये जो शिक्षा ग्रंथ है वह पाणिनीय करके कहेंगे। इसे पाणिनीय शिक्षा में आकार को नहीं बोला, अति विवृत करके, यानी इसमें तत्वालोक टीका में उसको अपाणिनीय कहा। और पाणिनीय शिक्षा श्लोक में दिया है, देखो पाणिनीय शिक्षा का श्लोक है, लेकिन आकार को है क्या? आकार यही तो कह रहे, यही तो हुआ ना, यह आकार अलग से गिना है ना, ताभ्यामप्याकार ये शिक्षा अलग ग्रंथ मानना पड़ेगा ना। ये करे वो जैसा आपने कहा ना, एंग से ताभ्यम ताभ्यम अपि आकार बोल रहे हैं, वो विरुद्ध है ना, पाणिनीय के विरुद्ध है ना, ये कह रहे हैं। और कब अपाणिनीयम कह दिया इन्होंने, इसलिए उन्होंने जो बोला है वो अपाणिनीय है। विवृत करना स्वर तेभ्य एवो विवृत तरो ताभ्यम अयौ ताभ्यम अप्याकार संवृतो अकार इति, ये अन्य शिक्षा ग्रंथ का हिस्सा है। और पाणिनीय का स्वराणाम ऊष्णां चैव विवृतं करणं स्मृतं तेभ्योपि विवृता वेंगौ ताभ्यां मैचौ तथैव च, ये दिया पाणिनीय शिक्षा। दिए दोनों शिक्षा अलग अलग है। प्रदीप टीका देखिए, आई वॉन्ट सर्ववर्णान अविशेषेण विचार्य विशेषेण अत्र विचार क्रियत। अभी तक जो विचार हुआ था सकल वर्णों को लेकर के, सकल पदों को लेकर के एक सामान्य विचार पूरा हुआ पस्पशान्नी कमे। अब आ प्रत्येक ई उन सूत्रों के माध्यम से वर्ण विशेषों के विचार आरंभ कर रहे हैं। विशेषेण अत्र विचार क्रियते अकाश्यति अत्र अकारादिनां स्वरूपेण अनुकारेण वा सतोपि अर्थवत्त्वस्य अविवक्षितत्वात् विभक्ति अनुपपत्ति ही कह दिया। यहाँ कहते अ से सुविभक्ति क्यों नहीं आया, ई से भी सु आना चाहिए। इसे कई युक्तियां लोग देते हैं, कोई स्वराधिगण में है, ये स्वराधिगण के अंतर्गत है ना वर्ण, इसे अव्यय संज्ञा हो गया स्वराधि निपातम अप्ययम, और एक वच निपात में संज्ञा आए थे, एक वजांग सूत्र से भी निपात संज्ञा हो जाएगा, अतिव अव्यय हो गया, अव्यय होने से सुब्लुक हो गया। ऐसे कुछ लोग जवाब देते हैं, उसके लिए जवाब तो नहीं नहीं वो सब जवाब गलत है, प्रवृत्ति नहीं हो सकता वो सब इस अवस्था में शिवजी के द्वारा, क्योंकि वेद है ना, आप उनके आधार पर नहीं बोल सकते हैं। अभी भैया अर्थवत्व है इनमें भी, प्राथमिक संज्ञा भी होगा, लेकिन विभक्तियां नहीं आएंगे, क्यों? अविवक्षितत्व, वही हेतु दे रहे हैं यहाँ कि आकार आदियों में स्वरूपेण स्वरूपता भी उनमें अर्थवत्व है। आ कहते कुछ आपको समझ में आते, एक वर्ण है ये, वर्ण विशेष है, अर्थ ज्ञान हुआ कि नहीं, स्वरूपेण भी अर्थवत्व है। और अनुकार्य अनुकरण भाव से आप नित्य मानते हो, वेद के समान ये भी सूत्र भी नित्य है, तो भी अनुकरण हुआ है, तो अनुकार्य के साथ अनुकरण का सादृश्यता को लेकर के भी इसमें अर्थवत्व है। दोनों प्रकार से अर्थ अपने स्वरूपेण हो चाहे अनुकारेण व सत्तोप्य अर्थवत्व से, अर्थवत्व के होने के कारण से अर्थोद्धातु प्रत्यप्रातिस्पर संज्ञा होकर के सुभाधि विभक्तियों की प्राप्ति थी, उसको कहते अविवक्षितत्वाद विभक्ति अनुपपत्ति। चल कोई बात नहीं, विभक्तियां नहीं आए चलेगा, लेकिन अ ई के पीछे गुण क्यों नहीं हुआ, ये हो जाना चाहिए, रेचस आई होना चाहिए, आयोन होना चाहिए, अ या या में वो मात्रा ना आयोन ऐसा होना चाहिए, अ ई उण ऐसा नहीं होना चाहिए। उस परिग्रह स्वर संधिस्तु न प्रवर्धते वर्णोपदेश काले अजाद संज्ञानाम अनिष्पादात, वो तब होगा जब अच्छा संज्ञा हो जाए तब ना सूत्र लगेंगे। इको यणाची में एक प्रत्यार होगा, यण प्रत्यार होगा, अच प्रत्यार होगा, तब ना वो सूत्र लगेगा। और वर्णोपदेश काल में अभी प्रत्यारों की सिद्धि नहीं हुई है, इसी को बताएंगे आगे, महाभाष्य का पंच महावाक्य कभी आ रहा है, क्रम बताएंगे संज्ञा कब आ रहा है, प्रत्यार संज्ञा कब होगा, वर्णोपदेश स्थावत से शुरू करेंगे। सबसे पहले वर्णोपदेश हुआ, वर्णोपदेश के बाद में इत संज्ञा, इत संज्ञा आता है,
उसके बाद प्रत्याहार बनेगा। श्रवण संज्ञा, श्रवण संज्ञा के बाद अनुदिशण चार प्रत्यय, ये है विचार आएगा। देखिए हम या तो अनुग्रह ग्रहण शास्त्र बाद में लेंगे, सर विचार भी करेंगे थोड़ा, तो बाद में निर्णय लेंगे, बाद में लेने को निर्णय कर देंगे, लेकिन ये पांच स्टेप है आपका। अतः जब वर्णोपदेश काल में प्रत्यय थे ही नहीं, वर्णोपदेश के बाद सबसे पहले संज्ञा करना पड़ेगा इनका, जब तक अंतिकित संज्ञा न हो प्रत्यय तो बन ही नहीं सकता, न भी व्यक्तित्व धर्म आ जाएगा। उसे ग्रहण न हो प्रत्यारिशुताम न ग्रहणम कहेंगे, प्रत्यारों में इतों का बीच का ग्रहण नहीं होगा और अंत वाला भी ग्रहण नहीं होगा। क्यों? अरे संज्ञा संजिनम बोधित्ता निवर्तन्ते, संज्ञा हमेशा संजी मात्र को बोध करा करके निवृत्त हो जाते हैं। संज्ञा के अक्षरों को संजी के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा, ऐसे अण कौन है, ऐसे न का ग्रहण नहीं होगा। ऐसे विस्तृत विचार आगे आने वाला है, फिर आप तब देखेंगे। याद कि अभी अत्र स्वरसंधि सुना प्रति क्यों वर्णोपदेश काले अजाज संज्ञा नाम अनिष्पादात, अत्र अकार से समृद्धत्वात् दीर्घ प्लुतयोर विवृतत्वात् प्रयत्न भेदात् स्वर्ण संज्ञा अप्रसंगात् प्रदेशेषु अकारेण दीर्घ श्रुत दीर्घ प्लुतयोर ग्रहणम न प्राप्तीति विवृतत्वम अकार से उपदिश्यते। कहते जो अकार है वो समृद्धत्वात् विवृतम अनुद्य समृतम भी दिए सूत्र के द्वारा, और दीर्घ प्रत्यय सदा क्या हो गया विवृतत्वात् प्रत्यय प्रयत्न भेद, ऐसा प्रयत्न भेद हो गया तो श्रवण संज्ञा या प्रसंगात प्रयत्न भेद के कारण श्रवण संज्ञा के आपस में होंगे नहीं, जब नहीं होंगे तो प्रदेशेशु अकारण दीर्घ प्रत्यय और ग्रहणम न प्राप्नोति, तो कार्य प्रदेशों में जो अकार के द्वारा दीर्घ प्रत्यय ग्रहण होगा नहीं। यदि विवृतत्व अकार से उपदिशते ये तदर्थ ही विवृतत्व अकार के स्थान उपदेश हुआ है, विवृत से गुण से उपदेश यदि विवृतोपदेश, विवृत रूपी गुण का उपदेश होने का नाम ही विवृतोपदेश है। तथा गुण से नित्य सापेक्षत्वाद अकारापेक्षत्व समास, यदि गुण शब्द नित्य सापेक्ष होने के नाते अकार के समास नहीं हो सकता था, हमने समास कैसे कर दिया, कद यथा देवदत्त से गुरुकुलमिति, देवदत्त से गुरोह कुलम, गुरु शब्द का देवदत्त विशेषण की सापेक्षता है, फिर भी गुरु शब्द कुलम से समास हो गया। समास का नियम क्या है, हमेशा सविशेषणानाम वृत्तिर्न वृत्तस च विशेषण योगो न, जो सविशेषण वाले हैं उनकी वृत्ति नहीं हो सकती। जैसे गुरु हो, गुरु शब्द क्या है उसका विशेषण है, किसका गुरु, देवदत्त से गुरु हो इदम कुलम, तो कुल शब्द का गुरु शब्द के समास नहीं हो सकता क्योंकि सविशेषण है वो गुरु शब्द। सविशेषणानाम वृत्तिर्न, और एक हम पहले समास कर दिया गुरुकुलम गुरुकुलम, फिर कस्य गुरुकुलम, देवत से गुरुकुलम करोगे तब वृत्त से विशेषण योगो न, वृत्त जब हो गया फिर गुरु का अन्वय आप देवदत्त के साथ नहीं कर सकते, गुरुकुल पूरे का अन्वय ही देवदत्त के साथ होगा। उसके लिए वहां दूसरा दृष्टान दिया उन्होंने, जैसे राजपुरुष राज्य पुरुष तो राजपुर समास हो गया, आढ्य कह दिया अमीर है बहुत पैसा वाला है, फिर राजपुरुष अमीर कैसे हो सकता है, इसलिए आप कहेंगे ये आढ्य विशेषण जो है ये राजन का है। यदि ऐसा है फिर राज्य राजन शब्द का पुरुष शब्द समास नहीं हो सकता, आढ्यस्य राज्य पुरुष अमीर राजा का ये सैनिक है आदमी है। यदि अमीरत्व तो राजा का विशेषण है फिर तो राजन शब्द पुरुष के समास नहीं हो सकता, तब अमीर शब्द का विशेषण पुरुष के साथ तब आप राजन शब्द पुरुष समास कर सकते हैं, राज्य पुरुष इधर राज पुरुष कीदृक मैंने आढ्य पर प्रथमा होने का, फिर आढ्यता पुरुष का ही विशेषण बनेगा राजन का नहीं। इधर से यदि आप यहां देवत से गुरुकुलम कह दोगे
कुलम का अन्वय होना चाहिए देवदत्त के समृद्ध, देवदत्तम प्रथमांत होना चाहिए ना, देवदत्त षष्ठी कैसे हो जाएगा, कुलम प्रथमांत है। लेकिन फिर भी वह नियम को भंग करके प्रयोग हो जाता है, देवदत्त से गुरुकुलम यथा तथा, यहां पर भी समास हो गया विवृत उपदेश में, के गुण है ना, विवृत के गुण है, विवृत गुण से उपदेश होना चाहिए ना। जब गुण शब्द अन्य सापेक्ष हो गया, गुण शब्द सापेक्ष वृत्त जो है विवृत शब्द, फिर उपदेश के समास नहीं हो सकता हूं। लेकिन यहां वही करे उसके समान कर दूंगा, गुण से अनित सापेक्ष गुण शब्द विवृत शब्द के सापेक्ष होने के नाते, हाँ तो इसलिए तो अपेक्षत्व भी समास हो, अकार अपेक्षत्व भी समास यथा देवते से गुरुकुल मिति, जैसे वहां हो वैसे यहां भी कर लेंगे। समास प्रकरण का ये भाष्य में आएगा, हाँ भाष्य में आएगा, समास प्रकरण में शुरू में ही आएंगे। समर्थ पद विधि कुत्र सामर्थ्यम, सामर्थ्यम किधर पहले पूछेंगे, दो प्रकार के बोलेंगे, एक अर्थ अपेक्षा एक आत्र कदम सब वहां आएगा पूरा। स्वर संधिस्तु न प्रवर्तित हो गया, आप गाते देखो आकार ग्रहणार्थ इति विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थ इति सामनाधिकरणेन निर्देशात आकार ग्रहणम विवृतोपदेश प्रयोजनम इस सामर्थ्याद अवगमाच्च चोद्य अनुरूपम उत्तरम न भवति इति न चोदनीयम्। जैसा प्रश्न पूछा उसके अनुरूप उत्तर नहीं है, ऐसा आप आशंका नहीं कर सकते, इसे जान करके सामान्यधिकरण व्यवहार किया हुआ है व्याख्या में। ये न शास्त्र न कौन सी शास्त्र श्रवण ग्रहण होगा, ये न शास्त्र न अनुदित सवर्ण से सवर्णा गृहते तेन कारण इत्यर्थ कि अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय 1169 का है, इतने सवर्णाग्रियंत है उसी के द्वारा जो है ग्रहण होने से कारण से इसको विवृत मानना पड़ेगा कि शब्द जन ज्ञान का विषय शब्द का अर्थ होता है, इसलिए अ कहने से अ एक शब्द है, उसके श्रवण करने से तजन्य ज्ञान का विषय जो होगा वही उसका अर्थ हो गया स्वरूपेण, इसलिए हर पद शब्द अपना हर अक्षर भी अपना अर्थ कुछ न कुछ बोल कर आता ही है, इसलिए अर्थोत्व तो सभी में है। अच्छा प्रासंगिक और विभक्ति आना चाहिए शंकाएं थी, वो सब समाधान कर दिया गया। जो दूसरा है तो पहला एक भी जैसे इसका प्रतीक है, जैसे अभी मतलब प्रत्यासन नहीं बना है ये बोले हैं, तो जैसे संधि क्यों नहीं हुआ का समाधान दिया है कि अभी जैसे अन प्रत्यासन नहीं बना करके, तो स्वादि उत्पत्ति के लिए भी यही है, तो जैसे स्वादि उत्पत्ति के लिए प्रत्यय संज्ञा की जरूरत नहीं है ना, प्रातिप संज्ञा की जरूरत है। हाँ, संज्ञा भी कहीं कुछ हुआ नहीं है ना, तो मतलब जैसे यहाँ प्रत्यय नहीं बना, अभी बना नहीं है, उसी तरह प्रातिप संज्ञा भी नहीं बना, तो मतलब क्यों नहीं बना, क्योंकि प्रातिप संज्ञा करने के लिए प्रत्यय की अपेक्षा नहीं है ना, इन वर्णों की अपेक्षा है क्या, आयु की अपेक्षा है क्या, वर्णोपदेश सापेक्ष है प्रत्यय संज्ञा, लेकिन प्रातिप संज्ञा इस वर्णोपदेश निरपेक्ष है कि प्रसंग किसकी होती है, अर्थवत् धातु प्रत्यय प्रातिपदिक अर्थवत् होना चाहिए, वो किसी में भी हो सकती है, वर्णोपदेश निरपेक्ष वाक्य नहीं, लेकिन प्रत्यय संज्ञा वर्णोपदेश सापेक्ष है, इसे दोनों अलग अलग जवाब दिया है यहाँ पर, क्योंकि वहां फिर क्या किया कहते वर्ण जब वर्णों की अपेक्षा बिना भी वर्णोपदेश की अपेक्षा के बिना जब अर्थवत्व को लेकर के प्रासंज्ञा होकर विभक्ति आ सकती है तो क्यों नहीं लाया, तो वर्ण का अविवक्षित तत्व आता, क्योंकि ये कारण ना कि यहाँ थोड़ा देख लीजिए उद्योत में विचार उठाया आपके बाद देखिए अर्थवत् सूत्र ग्रहणादित्य अर्थ स्वरूप से श्रोतृगृहित शब्द शाब्दे भानुपत न तत्र शक्ति कल्प्या, क्योंकि स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वरूप कथन हुआ किसी वर्ण का उत्तरे मात्र से ही श्रोतृगृहित शाब्दे भानुपत अर्थत्व हो गया, अनुकार्यम तो सादृश्येन उपस्थापयति, या अनुकार्य है अनुकरण के आधार पर सापेक्ष से उपस्थित हो जाएगा, दोनों स्थिति में जो है न तत्रापि, लेकिन हम इनको वृत्ति नहीं मानते, वृत्ति कहाँ मानते हम, फिर तब कहते हैं वृत्तिया अर्थबोधकत्वम च अर्थवत्वम,
जब वृत्ति से अर्थबोध होता है, शाब्द ज्ञान से नहीं, अनुकरण से नहीं। उन्होंने क्या कहता है, शाब्द स्वरूप ज्ञान और अनुकरण लिया, इनसे अर्थवत्व को व्याकरण अर्थवत्व नहीं मानता। अर्थवत्व प्रातिपदिक अर्थवत् धातु प्रति प्रातिपदिक सूत्र से जो अर्थवत्व की प्रासंज्ञा होता है, किस अर्थवत्व की कर रहा है, जो वृत्तिया अर्थबोधक है। और व्याकरण में वृत्ति किसको माना गया, पांच पांच चीज, कृत तदित समास शेषनाद्यंता धातु पंचवृत्तयः, कृत तद्धित समास एक शेष और सनाद्यंत धातु, इतने का नाम वृत्ति। इन वृत्तियों से जो अर्थबोधकता रहेगा उसी को अर्थवत्व मानेंगे। और उन पांच में से एक भी नहीं ये अकार, और जो है आयुण के जो अकार है न कृदंत है न कृत है, ये न तद्धित है न समास है न यह एक शेष है न सनाद्यंत धातु वृत्ति है। यह किसी प्रकार की वृत्ति के द्वारा अर्थबोधक न होने के कारण से इनमें अर्थवत्व ही नहीं है, ऐसे अविवक्षता कहने की भी जरूरत नहीं। वो सामान्य अर्थवत्व को लेकर उन्होंने आशंका उठाकर अविवक्षता तो जवाब दे दिया। इन्होंने कहा कि व्याकरण में सामान्य रूप से शब्द बोध से अर्थवत्व को हम अर्थवत्व नहीं कहते, व्याकरण में अनुकरण से प्राप्त अर्थवत्व को भी अर्थवत्व नहीं मानते हैं, किंतु वृत्ति के द्वारा प्राप्त अर्थावबोधकता है वही अर्थवत्व हम मानते हैं, उसी की प्रासंज्ञा होती है। जब ऐसे कहेंगे जब प्राप्त ही नहीं तो अविवक्षा करने की जरूरत नहीं। ये तो उद्योतकार ने और भी स्पष्ट किया है। और सबसे बड़ी बात उद्योत ने आगे वही आगे देखिए, सौत्रत्वाद्वाक अदय जो है आयुण क्या है, सूत्र है, छंद है, वेद है। यहाँ लगा नहीं लगा ये आप कल्पना नहीं कर सकते, यहाँ क्यों दिमाग लगा रही हो, जो जैसा वैसा मान लो बस, ये तो वेद है, सूत्र है, छंदो सूत्राणि भवन्ति। अब करणे भीम या तो विशेष क्यों नहीं लगा, अरे दिमाग लगाना नहीं वहां पर है, जैसा वैसा है ठीक है, सौत्रत्वाद्वा अंतिम जवाब ये है। और उसे भी संगत है कार प्रतीक होने में, चलो फिर वर्णात कार वार्तिक से कार प्रत्यय होना चाहिए, और उसे भी कहते कार प्रत्योपी बाहुल का न, बाहुल का नहीं क्या, बौलम का अनुवृत्ति आ रहा है, जिस सूत्र में वार्तिक है वह उसे बौलम है, वो सूत्र भी दिया है नीचे, इसलिए उस बौलम का अनुवृत्ति जो सूत्र में बौलम है वो वार्तिक में भी आएगा, इसे वार्तिक का बौल का हो रहा है, आते हुए नहीं हुआ ये दे दिया, इसे बोल रहा है ना कार प्रत्यय भी बाहुल का ना, कार प्रत्यय जो है बाहुल का नहीं हुआ, इसकी विस्तार उसमें यहां देखो दो तीन नंबर टिप्पणी की, दो नंबर है तीन नंबर देखिए, यदि अमी वर्णा कार प्रत्यय कसा न भवती उच्यते वर्णाधकार नायमर्थो वर्णादुच्चार्यमाणात् कारः प्रत्यभवती एवं विज्ञायमाने ककार इत्यादौ उच्चार्यमाणस्य अज हल समुदाय से अवर्णत्व कार प्रत्यो न सौत्र, तो जवाब तो आएगी, प्रासंगिक विभक्ति आते नहीं है, लेकिन कार प्रत्यय भी क्यों नहीं वार्तिक से पूछा है ना, उसके लिए बौल का नहीं हो रहा है, ये जवाब दिया। किंच कारणम न गृहणीयात, किंच कारणम न गृहणीयात, आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, किंच कारणम न गृहणीयात, क्या कारण है, पूर्वोक्त तो जाति पक्ष आश्रित संकत है, मैं आकार जो है आकार को क्यों नहीं ग्रहण करेगा, है आकार से अत्व जाति को लेकर के आकार क्यों नहीं ग्रहण करेगा, ये पूछ रहा है, किंच कारण न ग्रहणीय, तब कहेंगे भाई व्यक्ति पक्ष में हम बोल रहा हूं विवार भेदात, जवाब देंगे विवार में विवृत प्रयत्न भेदात, क्योंकि अ का प्रयत्न अलग है आ का प्रयत्न अलग है, प्रयत्न भेद से यह अ आ को ग्रहण नहीं कर रहा था व्यक्ति पक्ष में, जाति पक्ष को लेकर नहीं है, व्यक्ति पक्ष को लेकर प्रयत्न भेद, हर व्यक्ति का अपना अलग प्रयत्न है। किंच कारण मिति आकृति पक्ष आश्रयेण ग्रहणक शास्त्रस्य प्रत्याख्यानाद आकारस्यापि अत्वजाति सद्भावात सिद्धम ग्रहणम इति भाव, ये पूर्व पक्ष का आश्रय है, क्योंकि आकृति पक्ष में जाति पक्ष को आश्रय करने से ग्रहणक शास्त्र का प्रत्याख्यान कर दिया है आपने, खंडन कर जरूरत ही नहीं जाति पक्ष में, फिर अ से आ जाति पक्ष अत्व जाति को लेकर ग्रहण हो ही रहा था,
तो यहाँ क्या प्रयोजन रहा फिर इस बात का कहने का वर्ण उपदेश के बारे में। अत्र च निमित्त कारण हेतुशो सर्वासाम प्राय दर्शन प्रथमा कृता प्रश्न उठता है किंच कारण क्यों नहीं, अकस्मात कारणात होना चाहिए, अकस्मात कारणात न ग्रहणम पंचमी होना चाहिए था ना, आपने प्रथमा क्यों किया, किंच कारणम उस पर बोल रहे हैं। अत्र च निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनात् के आधार पर या प्रत्यय भक्ति कर दिया गया तेन कस्मात् कारण इत्यर्थ संपद्यते, इस तस्मात् कस्मात् कारण आती अर्थ ले प्रदीप कारण जवाब देते समाधान वाच व्यवहार भेदात् कह दिया। व्यवहार भेदात् मानी विवृत प्रयत्न भेदात्, व्यवहार करते विवृत लेना न बाह्य प्रयत्न ही लेना, वहां भी ना श्वास व्यवहार घोषा वो व्यवहार नहीं लेना, संवार भाई भाई प्रयत्न में ग्यारह में से संवार व्यवहार बोलते हैं, यहाँ व्यवहार से वो बाई प्रयत्न नहीं लेना कि बाई प्रयत्न श्रवण संज्ञा में उपयोगी नहीं है, ये आभ्यंतर प्रयत्न व्यवहार सबसे कह रहे जिसको पूर्व में वार्तिक कारण विवृत कहा था उसको भाष्यकार विवृत को ही व्यवहार सबसे बोल रहे हैं, इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न ही लेना है यहाँ पर, बाई प्रयत्न नहीं लेना। व्यवहार भेदात इत्यत्र तो इस जगह पर तो यहाँ भी विवार भेदात पंचमी क्यों हुआ, यहाँ प्रथमांत से प्रश्न पूछा गया था वो प्रथमांत भी आपने सूत्र से कहा भी इसको प्राय दर्शन के आधार पंचमी अर्थ आपने ले लिया तो जवाब तक प्रथमांत होना चाहिए। तब ये गुणों विभाषा गुणे अस्त्रियां, विभाषा गुणे अस्त्रियां सूत्र से यहाँ पंचमी हो गया है तो गुणवाचक है ना विवार, तदगत भेद को कथन करने से पंचमी कर दिया गया। ये जो समाधान है व्यक्ति पक्ष को लेकर के समाधान है विवार भेदा द्वितीयतर तो कारण शब्द से प्रयोग अभावात, यहाँ कारण शब्द प्रयोग नहीं किया ना, कारण शब्द से प्रयोग अभावात प्राय ग्रहणाद असर्वनाम्न वा प्रथमा द्वितीय ओर अभावात, इसे जो आपने प्राय ग्रहणाच निमित्त कारण है शिशु सर्वासाम प्राय बोला है, हेतु दे रहे देखिए इतना हेतु कारण शब्द का प्रयोग ना होने से प्राय ग्रहण करने से असर्वनाम नोवा और असर्वनाम वाचकों से भी प्रथमा द्वितीय और अभावात प्रथमा द्वितीय की नहीं होती है तो विभाषा गुण स्त्रियां विधि पंचमी विहिता देख दे दिया यहाँ पर प्रदीप कार ने। विवार यति विकास यति आश्यम इति विवार प्रयत्न विवार यति विकास यति, किसको विकसित कर रहा है वो आस्य मुख को, मुख खोल के बोलना पड़ता है उसका नाम विवृत प्रयत्न विवार प्रयत्न। व्यक्ति पक्ष ग्रहण शास्त्र आरंभ बाद दोषापत्ति ही, व्यक्ति पक्ष में ग्रहण का शास्त्र का आरंभ माना है उस स्थिति में दोष आ रहा था अतः दोष निवृत्ति के लिए अवकार को विवृत उपदेश करना उचित है। किम उचित है विवार भेदा देती, फिर पूर्व पक्षी पूछता है भाई विवार भेदात क्यों कहते हो, एक ही हेतु दिया ना आपने, काल भेदात भी हो सकता था ना, अ से आ का ग्रहण क्यों नहीं होगा, अ है ह्रस्व आ है दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ को कैसे ग्रहण करूंगा काल भेदात, काल भेदात भी तो हेतु आप जोड़ना चाहिए था, आप बोलना चाहिए विवार काल और भेदात, विवार काल भेदात कर देते, भाष्य पर न्यूनता दोष दे रहे पूर्व पक्षियां, भाष्यकार पर न्यूनता कम बोलना, जब और भी हेतु संभव था उन हेतुओं का न ग्रहण करना ही न्यूनता है ग्रंथ में, ये दोषारोपण कर पूछ रहा है क्यों उच्चते विवार भेद थी न पुनः काल भेदा दबी, काल भेद भी जब स्वीकार कर सकते हो उससे भी अ से आ का ग्रहण नहीं होता कह सकते हो उस हेतु क्यों आपने त्याग दिया, यतैव अयम विवार भिन्न एवं काल भिन्नोपि, जिस प्रकार से और आ में विवार को लेकर भेद है इसी प्रकार से और आम काल को लेकर के भी भेद है। प्रतिभा व्यक्ति पक्ष है भेदांतर सद्भावादा, व्यक्ति पक्ष में भेद का कारण एक दूसरा भी हो सकता था उसे आपने नहीं बोला तो न्यूनता आ गई आपके ग्रंथ में, ऐसे जब दोषारोपण किया तो सिद्धांत जवाब देता है सत्यमेव मेतत, ठीक ही कह रहे हो तुम जैसे कह रहे हो वैसा। वक्ष की तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इत्यत्र आस्य ग्रहण से प्रयोजनम आस्य येषां तुल्योद्देश प्रयत्नश्च ते सवर्ण संज्ञा भवन्ति इति, यहाँ भी प्रश्न उठता है आप कहते हो
श्रवण संज्ञा हुए बिना ग्रहण होगा नहीं, आकाशवण दीर्घ सूत्र नहीं लग सकता। और श्रवण संज्ञा का वास्तव में निर्णय होता है अनुदित षड्चा प्रत्यय के बाद, तो फिर तुल्या से प्रयत्न सूत्र में ही तो लगा दिया, तुल्य और आसन आकाशवण दीर्घ कौन किया उसी सूत्र में, जो सूत्र में श्रवण संज्ञा कर रहा है, श्रवण संज्ञा तो किया नहीं करना है, उसी सूत्र में सूत्र कैसे लगे आकाशवण दीर्घ का, तुल्य शब्द का आस शब्द के साथ आकाशवण दीर्घ किया कि नहीं किया आपने, तुल्य आस्य प्रयत्न, तब छंद व सूत्र नहीं हुआ मानती, या सूत्र से दीर्घ नहीं हुआ है, स्वतः ही हुआ है, ये सूत्र सिद्ध ही नहीं, अब श्रवण संज्ञा ही सिद्ध नहीं है, ये सूत्र श्रवण संज्ञा का निर्माण करेगा, अभी ये सूत्र कहेगा किन का बीच में श्रवण संज्ञा होगा, जब श्रवण का निर्णय हो जाए तब आकाशवण सूत्र लगेगा, तब दीर्घ हो जाएगा। इसे यह सूत्र प्रवृत्ति काल में सवर्ण का निर्णय ही नहीं है तो यहाँ दीर्घ कैसे हुआ, इसका जवाब एक ऐसे जगह में ही कहा जाता है छंद व सूत्र अमृत सूत्रत्वात्, बिना सूत्र लगा ही दीर्घ हो गया है, सूत्र से नहीं हुआ ये मानना पड़ता है। देखिए तुल्यास प्रतिश्रवण का अर्थ बता रहे, इतर आस्य ग्रहण से प्रयोजन बताया, आस्य येषां तुल्यो देश प्रयत्नश्च, आस्य में उच्चारण काल में जब तुल्य देश और तुल्य प्रयत्न है, ये ते उनका परस्पर में श्रवण संज्ञा भवंती थी, बायश्च पुर आस्यात् काल, और काल क्या है बाह्य श्रवण होता है, इसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत को हम बाह्य प्रयत्न में रखा है ना, उदात अनुदात स्वरित ह्रस्व दीर्घ प्लुत संवार विवार नाद घोष विश्वास ऐसा हम लोगों ने बाह्य प्रयत्न में रखा, अतः काल बाह्य प्रयत्न का विषय है और बाह्य प्रयत्न का श्रवण संज्ञा में कोई उपयोग नहीं है, इसीलिए यहां श्रवण संज्ञा को लेकर हमने कहा है ना अ के द्वारा आकार में श्रवण का ग्रहण करना प्रयोजन बताया विवृत प्रयत्न का, और वह आभ्यंतर प्रयत्न है, इसलिए हमने केवल विवृत भेदात कहा, काल भेदात हमने नहीं कहा, कि काल भेद श्रवण संज्ञा का प्रयोजक नहीं है, तेना स्यादेव काल भिन्न से ग्रहणम, इसलिए काल से भिन्न विवृत प्रयत्न मात्र ग्रहण किया गया है, न पुनर्विवार भिन्न से, और विवार भेद को हमने त्यागा नहीं है, बाह्यश्चेति प्रदीपकार सीधा बाह्य में चले जाए, बाह्य से पुनरास्यात काला प्रयत्नाभिनिवृत्तत्वात् कालस्य प्रयत्नत्वम् अभिगम्य, यदि वो भी प्रयत्न से सिद्ध है, बाह्य प्रयत्न भी आभ्यंतर प्रयत्न से सिद्ध है तो प्रयत्न जन्य है, इसलिए और प्रयत्नो द्विधा, प्रयत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च ऐसे बोलते हैं, यत्नत्व तो समान है दोनों में, वही यद्यपि ऐसा है फिर भी अभ्युपगम्य बाह्यत्व परिहार, यद्यपि वो भी यत्न है लेकिन बाह्यत्व दोष निवारण कर दिया, वही भेद करो आभ्यंतर और बाह्य, प्रसिद्ध परिमाण वस्तंतरगत परिच्छेद क्रियांतर अपेक्षणात् काल व्यवहार से बाह्यत्वम कालसीति, काल व्यवहार में बाह्यत्व कैसे आ गया, क्योंकि हमेशा प्रसिद्ध परिमाण वस्तुंतर का गत परिच्छेद को क्रियांतर अपेक्षा करता हुआ काल के व्यवहार होता है, यथा जैसे व्रीय है प्रस्थादि व्यवहार परिमाण द्रव्यकृत, व्रीय का जो है प्रस्थादि व्यवहार जो है परिमाण का द्रव्य को लेकर के होता है, एवं मात्रादि उपदेशोपि निमेशादि क्रियाकृत, मात्रा एक मात्रा दो मात्रा तीन मात्रा जो ह्रस प्लुत के लिए, ये भी क्या है निमेश से शुरू हुआ, तीस निमेश, एक क्या नाम रखा उन्होंने एक काष्ठा, काष्ठा कला है ना, फिर कला, ये पंद्रह काष्ठा का एक कला, ऐसे करके गण तक किया एक मात्रा आने के लिए, से ये क्रिया ना निमेश की क्रिया, क्रिया से ही काल की गणना का आधार बना हुआ मात्रा के मामले में, सब जैसे निमेश आदि क्रिया करता अथवा नाभि प्रदेश विशिष्ट प्रयत्न आरंभात दीर्घादि निष्पत्तिया नाभिश्च आस्याद बाह्यत्वात् काल से बाह्यत्वम, अतः बाह्य प्रयत्न के भी आधार नाभि है, नाभि से जोर दिया जाता है ह्रस्व के लिए दीर्घ के लिए प्लुत के लिए, यहां से जोड़ दिया उसी हिसाब से वायु ऊपर गया और उसी अनुसार बाहर में ह्रस्व प्लुत आया हुआ है, तो
तो भी कदा ये जो नाभि रूप स्थान है जो दीर्घोच्चारण का कारण है वो कहाँ है? आस से बाहर है, आस से बाहर है। अतः स्वर्ण संज्ञा का कारण नहीं बनेगा। दो तरीके से बता दिया। तो बाह्य प्रति किसको बोलते हैं? जो मुंह से बाहर आने के बाद सुनने के प्रति कारण जो होता है, श्रवण के लिए जो कारणीभूत प्रयत्न उसका नाम है बाह्य प्रयत्न, और उसका जन का आभ्यंतर प्रयत्न है। और आभ्यंतर प्रयत्न मात्र श्रवण संज्ञा का कारक है, बाह्य प्रयत्न नहीं। और यदि एक तो जवाब दिए, दूसरा क्या कहा? इसे भी नाभि को कारण मानोगे सकल वर्णोच्चारण के प्रति, तब भी नाभि भी कैसा है? आशी के स्थान होंगे देशों से भिन्न बार है, इसलिए भी काल जो है किसी प्रकार से भी श्रवण संज्ञा का प्रयोजक नहीं हो सकता दोनों प्रकार से, क्योंकि आस्यांतरवर्ती नहीं है। इनका कहना है नाभिश्च आस्यात् बाह्यत्वात् कालस्य बाह्यत्वम्, विवृतत्वादीनां तु आस्यवर्ती। विवृतत्व प्रयत्नों के प्रति क्या है? हमें किस प्रयत्न को लेनी है? जो आस्यवर्ती है, आस्य बहिर् नहीं, आस्यवर्ती। प्रयत्न निष्पाद्यत्वाद् आभ्यंतरतम, यही इसके आभ्यंतरत्व है। द्रुतादि वृत्तेस्तु जल्दबाजी उच्चारण वगैरह जो होता है, यथा न भेदिका तथा तपर सूत्र विवक्षत है। और द्रुतादि जो व्यवहार है वहां पर भी वो भी वर्णों का भेदक नहीं हो सकता, यह बात को हम तपर सूत्र में विस्तारपूर्वक कहेंगे। नीचे अथवा से देखो, अयम भाव नाभि प्रदेश आवच्छन यत्न प्रेरित वायु तत्स्थानाभिघातोत्तरम वर्णाभिव्यंजकेति शिक्षादो स्पष्टम। वो श्लोक भी नीचे दिया, आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान मनोयुंते विवक्षया, मन कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम, मारुतस्तूरसीचनन मंद्रम जनयति स्वरम सोदीर्णो मूर्ध्न्याभिहतो। मरुतस्तूरसीचरन मंद्रम जनयति स्वरम प्रातःसवन योगम तम छंदो गायत्रम आश्रितम। ये पाणिनि शिक्षण कंठे माध्यन्यन युगम मध्यमम प्रेष्टभारगम तारं तात्य समनम शीर्षण्यम जागतानुगम सोदीर्णो मूर्ध्न्यभिहतो वक्रमापदैसे। ये तो बीच का छोड़ दिया इसका मतलब, सोदीर्णो मूर्ध्न्यभिहतो वक्रम आपद्य मारुतः वर्णांजनयते। बीच का छोड़ दिया, क्या जरूरत नहीं था? असंबद्ध थी वो तो, ऋग्वेद यजुर्वेद को लेकर बोल रहा है ना, वेदों को लेकर बोल रहा है भेद करते हुए, इसे असंबद्ध मान के उसको छोड़ दिया। आत्मा का बुद्धि से संबंध हुआ, अर्थान मनोयुक्त अर्थोच्चारण करने मन में ये नियोग कर दिया, विवक्षा के अनुसार ये मन ने क्या किया? काय अग्नि माहंती शरीर में विद्यमान जो नाभि देश में जो अग्नि को आहत किया, स प्रेरित मारुदम उसे मरुद की प्रेरणा मिली, मरुद को वायु को प्रेरणा मिला, वह मरुद ऊर प्रदेश में धीरे धीरे से पहुंचा, मंद्रम जनित स्वरम वहीं से स्वरादि उत्पन्न होना शुरू किया मध्यमा। फिर वही क्रिया आया, मारुतस्तुरसीचन मंद्रम हो गया, सोदीर्णो मूर्धनीय भवतो, वो ऊपर और आकर के उदीर्ण हुआ और मूर्धा आदि के अनेक स्थानों में अभिहत हुआ, अष्ट स्थान जो गिनाए गए हैं उनसे अभिहत हुआ, हो करके ही वर्णों की उत्पत्ति होती है ऐसे उन्होंने कहा। वक्रम आपद्य मारुतः, इस पर वायु वक्र को प्राप्त करते हुए मैंने मुख को प्राप्त करके, वक्र मैंने मुख को प्राप्त करते हुए वर्णांजनयते वर्णों को उत्पन्न करता है।